सिपाहीजला जिले के अंतर्गत विशालगढ़ पुलिस ने 1446 कफ सिरप के बोतल जब्त किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर विशालगढ़ और मधुपुर पुलिस ने साझा अभियान चलाते हुए अरविंद नगर के विश्वजीत देव नामक व्यक्ति के घर से 5 लाख रुपए मूल्य की यह सामग्रियां जब्त की है। पुलिस ने एक वाहन को भी जब्त किया है। हालांकि आरोपी विश्वजीत फरार होने में कामयाब रहा। गोपन सूत्र खबर अरविंद नगर विश्वजीत देव ওনার বাড়িতে তল্লাশি চালাই এবং ওনার ঘর থেকে 1446 বোতল এসকাফ রিকভারি করা হয়। বাজার মূল্য এক একটা এক এক রকম হয়, প্রায় 4 লক্ষ টাকার মতো হবে। অভিযানে কে ছিল? অভিযানে ছিল মধুপুর থানার ওসি এবং স্টাফ। এছাড়া কি কোনো গাড়িটা উদ্ধার হয়েছে? একটা বিজনেসের ব্যবহৃত একটা গাড়ি উদ্ধার হয়েছে আর সঙ্গে 6 বোতল ফরেন লিকার উদ্ধার হয়েছে। धर्मनगर और गर्जी के बीच 3 रेलवे स्टेशन परित्यक्त हालत में हैं। सालों से इन रेलवे स्टेशनों की कोई देखरेख नहीं हुई है, इस वजह से इनकी हालत बहुत ही खस्ता है। यहाँ तक कि टिकट काउंटर, वेटिंग रूम आदि में गायों को चरते हुए देखा जा सकता है। और तो और, रोजाना बगैर टिकट के यहाँ से यात्री रेलवे में सफर करते हैं, जिस वजह से रेलवे को नुकसान झेलना पड़ता है। स्टेशन मैंने टिकट तो दिशा ना मैंने इतना 2009 थे कि शुरू हुई से रेल चल से 15 तारीख जनवरी तार पर थे कि तो टिकट काउंटर खुल से ना তো টিকিট কাউন্টার খুললে তো আমরাও টিকিট ছাড়া তো যাওন তো লাগবে, এখানে তো লোক অনেকজন আছে। টিকিট যদি টিকিট কাউন্টার খুললে না আমরা টিকিট কাইতে যাবো, টিকিট যদি নাই তাহলে আমরা তো উত্তর লাগবো। এটা টিকিট কাউন্টার যে টিকিট কাউন্টার বর্তমানে খোলা হয়েছে না, তার লাগে টিকিট চাই না আর কি। টিকিট নেয় না ওকে? না, এখান থেকে সবাই বিনা পয়সায় রেল চড়ে, কিন্তু এখান থেকে মনোতে গেলে মনোতে যে মনোতে থাকে অন্য তাহলে টিকিটটা কাটো লাগে, যখন নগর থেকে টিকিটটা আপাতত নেই না আর কি, কারণ টিকিট কাউন্টার তো নেই, টিকিট খুঁজলে তো আমার টিকিট পাওয়া যায় না এই অবস্থা আর কি। যখন টিকিট কাউন্টার খুলবো তখন টিকিট কাটা লাগবে। টিটিএ ধরেনি? টিটিএ ধরলেও টিকিট কাউন্টার দিতে পারে না, হয়তো আগে থেকে জানা ছিল টিকিট কাউন্টার এই সময় খোলা হবে, সেই সময় টিকিট কিনে দিতে লাগবে। স্ত্রী মানুষরু মরিরা কাহাঁ জানছেন হোলা? सिक्किम की शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर त्रिवेणी राय द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म छोरी असम के नगांव में 8 और 9 सितंबर को पहली बार आयोजित होने जा रहे नगांव इंटरनेशनल शॉर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई है। ये फिल्म एक्चुअली इट्स अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो लड़कियों और लड़कों के बीच जो भिन्नता मतलब डिफरेंस का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हमारे सोसाइटी में, घर में, कहीं भी। सो द फिल्म इज बेसिकली अबाउट दैट। रुकमा भदकी को घर को गुनामा। 10 मिनट की इस फिल्म का चुनाव नॉर्थ ईस्ट इंडिया शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में किया गया है। इस कैटेगरी में 7 फिल्में हैं, जिनमें से 5 असम से, 1 सिक्किम से और 1 मिजोरम से है। बहुत ही पर्सनल फिल्म है, तो मैं इसे दिखाने में थोड़ा आई वॉज वेरी हेजिटेंट कि मैं दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, जनरली स्क्रीनिंग करूं या ना करूं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्क्रीनिंग इट समवेयर, तो अभी भी इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग ओनली, बट होपफुली इट गोज वेल। स्त्री मानिसहरु मरेर कहाँ जान्छन् होला? खोलामा रीमा दास का तो इट इज अ फुल फीचर लेंथ फिल्म एंड शी इज डन एक्सट्रीमली वेल, मतलब शी गॉट नेशनल अवार्ड फॉर इट एंड मेनी मेनी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर इट एज वेल। शॉर्ट फिल्म्स में वी आर डूइंग फाइन, आई मीन लाइक सिक्किम से अभी बनना शुरू हो रहा है, बट कंपेरेटिवली बाकी स्टेट्स जैसे कि आसाम और मणिपुर तो दे आर ऑलवेज देयर, दे हैव बीन मेकिंग शॉर्ट फिल्म बहुत पहले से।
दिल्ली खोरशानी प्रोडक्शन के बैनर तले जीरो बजट में बनी लिंग भेद पर आधारित छोरी ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट फिल्म है। जीरो बजट में बनाए, उतना प्रोडक्शन वैल्यू है नहीं, कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि लोगों को पसंद आए। अवार्ड मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा भी। भत्की को घर को गुनामा या पहिरोमा मोस्टली अभी तक तो मैंने शॉर्ट फिल्म्स ही बनाए। अभी आई एम प्लानिंग माय फ्यूचर फिल्म, बट मोस्टली एज ऑफ नाउ आई हैव ओनली डन शॉर्ट फिल्म्स। न्यूज 18 असम से बात करते हुए ईपीडीसी के अध्यक्ष एल्विस चौरकी ने कहा कि कमेटी हस्ताक्षर अभियान चला रही है और 19 अगस्त को समान पैकेज की मांग करते हुए कमेटी ने गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने साथ ही कहा कि मंत्रालय उनकी मांगों को पूरा करने में असफल रहा है, जिस वजह से ब्रू शरणार्थियों को गणतांत्रिक आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने साथ ही 25 अगस्त को होने जा रहे प्रवर्तन प्रक्रिया का बहिष्कार करने की घोषणा की।